यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आरिफ हाशमी साहब यहाँ पे खड़े हैं, आज इनके ऊपर खड़ी गांव में हमला हुआ है और 11 सालों से हैं, तो डिटेल बताएंगे मतलब कैसे हुआ क्या हुआ। ऐसा है कि कल मुझे एक फ़ोन आया था कि नियाज कंपाउंड खरडी गांव में आता है, तो उस नियाज कंपाउंड में एक सैलून है जिसमें जो है एक लड़का सैलून चलाता है। तो अभी फ़िलहाल जो है जनता कर्फ्यू का मामला है तो सभी लोग अपनी अपनी दुकानें बंद किए हुए हैं, तो उसी तरह से वो भी बच्चा बंद किया हुआ है। तो पप्पू नाम का बंदा है जो उसके पास जाता है, वहाँ पर ये पप्पू नाम काफ़ी जो है फेमस है, तो वहाँ पर जाता है, बोलता है कि मेरा दाढ़ी और बाल बना दो। वो बोला देखो जनता कर्फ्यू का मामला है, मुमरा पुलिस स्टेशन बहुत सख्त है और हम जो है दुकान नहीं खोलेंगे। इतना कहना था कि पप्पू ने उसको मारा, तो वो बताने लगा मुझे। तो अरे जब वो बात आई सामने कि भाई ऐसा ऐसा पप्पू ने उसको मारा है, तो मुझे नियाज कंपाउंड में एक दोस्त मेरा रहता है उसने बोला, तो मैं उसके पास गया। किसके पास गया? वो लड़के के पास, कि चलो यार न्यूज़ भी कवर हो जाएगी और बात भी हो जाएगी। मैं उसके पास गया, बोला बच्चा किसने मारा, क्या हुआ था कल जुमे के वक्त? मैं सुना तो बोले वो आया था मेरे पास और मैंने दाढ़ी और बाल नहीं बनाया तो मेरे को जो है उसने मारा है और मेरे यहाँ दर्द दे रहा वहाँ दे, मतलब रोने वाले अंदाज में बोला, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने उसको बोला चल मैं तेरी न्यूज़ चलाता हूँ, बाइट दे। बोला ऐसा है कि हम बाइट दे देंगे तो आज तुम बाइट दे के चले जाओगे, लेके चले जाओगे, लेकिन कल फिर वो मुझे तंग करेगा क्योंकि यहाँ के दबंग लोग हैं, वो लोग उनसे हम पंगा नहीं ले सकते। मैं बोला देख भाई आज तू चुप बैठेगा, कल वो दूसरे को मार के जाएगा, इसलिए एक काम कर तू, तू मेरे साथ चल पुलिस स्टेशन में, मैं तुझे पुलिस से मदद करवाता हूँ, तू चल। किसी भी हाल में वो राज़ी नहीं हुआ। जब वो बाइट देने से, पुलिस चौकी जाने से राज़ी नहीं हुआ तो मैं वहाँ से सीधा चल दिया। 10 कदम पे आगे गया तो पप्पू का एक खासम खास है, एक लड़का वहाँ बैठा था, उसकी उम्र होगी मेरे ख्याल से 32-35 साल की उम्र है और गोरा सा है, बटला सा, और मतलब व्हाइट टी शर्ट पहन के वहाँ बैठा था। तो वहाँ पे एक मेरे पहचान का भी व्यक्ति खड़ा था, तो मैं जाते जाते मेरे पहचान के व्यक्ति ने मुझसे बोला कि क्या यार तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है, ये मार खा रहे हैं, ये हो रहा। तो बोला नहीं भाई मैं तो ये न्यूज चला ही रहा हूँ, अब इससे बोल रहा हूँ ये न्यूज बाइट नहीं दे रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं न्यूज चलाऊंगा मैं, जान दो। लेकिन मैंने, वो उत्तर भारतीय है, उत्तर भारतीय के नाते मैं यहाँ पे उत्तर भारतीय संघ के जो करीम खान है उनको फ़ोन में कर रहा हूँ, करूँगा ताकि उसको कुछ हेल्प मिल जाए। नहीं तो आपने अभी तक करीम खान को फ़ोन की कि नहीं की है? देखिए ऐसा है कि करीम खान को हमने अभी तक फ़ोन नहीं किया, इसलिए फ़ोन नहीं किया कि कहीं उनको ऐसा ना लगे कि ये मुझे सहारा बना के जो है लड़ना चाहते हैं, इसलिए कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम हूँ, कैपेबल हूँ मैं हर तरह से जो है। देखिए मैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज का चीफ एडिटर हूँ, निर्भय नगरी अखबार का चीफ एडिटर हूँ, इसके अलावा मैं स्वतंत्र पत्रकार संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, इसके अलावा शिवसेना मुस्लिम सेल में थाने जिला प्रवक्ता हूँ। तमाम उपलब्धियाँ ऊपर वाले ने मुझे दिया है, मैं सक्षम हूँ। शर्त यह है कि मेरे जो मुमरा के पत्रकार साथी हैं, हमने उनसे अपील किया कि भाई मदद आपकी चाहिए, हमारी मदद की गुहार पे वो सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो तमाम लोग हमारे पास आए, कोरोना के कहर के चलते काफ़ी लोग इकट्ठा करने में मैंने ही परहेज किया ताकि पुलिस का सहयोग करना है, पुलिस बड़ी मेहनत कर रही है इस मामले को लेकर। तो हमने जो है दो चार लोगों को बुलवाया और उनसे अपनी जो है फरियाद कही, तो हमारे कुछ साथी मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर के पास भी गए, हालांकि उससे पहले मैं जाके वहाँ NCMC लिखा चुका था, सीनियर से मुलाकात भी कर चुका था, सीनियर ने हमें आश्वासन और भरोसा दे दिया है कि हम उसको गिरफ्तार करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अब मैं संतुष्ट नहीं था कि 504-506 दाखिल NC हुआ है, उसके खिलाफ 506 पार्ट 2 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, इसलिए कि जब मैं ये बोला कि मैं करीम खान को फ़ोन करूँगा तो वो आग बबूला हो गया, बोले कौन करीम खान, ऐसा करके आगे बढ़ा और मुझे गाली गलौज करने लगा, काफ़ी बोलने लगा तेरे जैसे कितने पत्रकार, अच्छे पत्रकार आए गए, ये है वो है, तमाम बातें बोला। तो मैंने विरोध करने की कोशिश की और उसका मेरा ऐसा चल ही रहा था कि मेरे को एक ने इशारा किया कि मतलब मुझे उससे बहस नहीं करना चाहिए, तो मैं जो है अपनी गाड़ी स्टार्ट करा, वहाँ से निकलने लगा। तो मेरे जान पहचान का जो बंदा था उसको मैंने बोला चल भाई मैं निकल रहा हूँ, तो बोलता है कहाँ जा रहा है, क्या करेगा, क्या उखाड़ लेगा, तेरे पत्रकार कितने मेरे इस पे बैठते उस पे बैठते, मतलब बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उसने। उसके बाद जो है मैं बोला देख भाई एकदम मतलब मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसमें क्या बुरा कर दिया मैंने। और भाई साहब वो चाकू निकाला,
चाकू निकाल के, मतलब ये समझ लो दो जन उसको पकड़ रहे बाकायदा, हाँ, और उसमें जो है ये पप्पू जो था ना, पप्पू भी था, पप्पू पकड़ रहा था उसको, हाँ, और बीच बचाव के बाद मेरे ऊपर हमला नहीं करने दिए, हालांकि मैं वहाँ से भागने में ही अपनी समझदारी ज़्यादा समझा, अब मैं वहाँ से निकल लिया, मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया, मैंने कंप्लेन किया है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ यहाँ के जो सीनियर साहब हैं मुमरा पुलिस स्टेशन के, उसके खिलाफ़ जो है FIR होना चाहिए, NC से मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने चाकू दिखाया है, चाकू लेके दौड़ाया है, उसने इतनी बड़ी डेयरिंग किया है। मैं 12 साल से शहर में पत्रकारिता कर रहा हूँ, लोग उसको बोल रहे हैं कि ये पत्रकार है, बावजूद इसके जो है उसकी इतनी डेयरिंग बढ़ गई, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है। मुझे खबर ये भी गुप्त सूत्रों द्वारा मिली है को अभी हाल ही में जो है जमानत पे छूट के आया है हत्या के मामले में, और उसकी शक्ल से, उसके बॉडी लैंग्वेज से ये हमें खूब पता चल रहा था कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज का बंदा है, ये आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। और अगर मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, मुमरा पुलिस स्टेशन अगर इस बात की सही से तहकीकात करेगी, जांच करेगी, उसको गिरफ्तार करेगी, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो है जघन्य अपराधों के तहत मामला दर्ज जरूर हुआ होगा, क्योंकि मेरी भी जो नज़र इतनी कच्ची हो नहीं सकती। और मैं वहाँ से जो भागा, तो मैं इसलिए वहाँ से भागा कि भाई अगर चाकू चला दिया तो क्या होगा, मेरे परिवार को कौन पालेगा पोसेगा, मैं इसलिए समझदारी दिखाते हुए मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा। मैं अकेला था, वो लोग कई थे, तो मैं इसलिए वहाँ ज़्यादा बहस नहीं किया। अब मैं यही जो है अपील करूंगा शासन प्रशासन से कि पत्रकार सुरक्षा जो है खतरे में है, इस तरह से हम जो है ये जनता कर्फ्यू के दौरान आप मेहनत कर रहे हो, कोई पगार दे रहा है क्या आपको, कोई 2 रुपए दे रहा है क्या, तुम्हारे घर में जो है अभी खाना घरची घट जाए कोई नहीं देगा तुमको, ना हमें कोई दे रहा है। अब इसके बावजूद हम रिस्क लेकर जो है जाके जो दर्द भरे लोग हैं, जो जिनके साथ अपराध होता है, जिनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, उसकी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करेंगे, फिर थर्ड पर्सन आके एक गुंडा प्रवृत्ति का आदमी आके हम पर हमला करेगा, तो फिर ये तो फिर बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं शासन प्रशासन से अपील कर रहा हूँ कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उस व्यक्ति से मुझे जान को खतरा है, इसलिए कि मैं 12 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे अपराधियों के खिलाफ मामले जो है प्रकाशित किए अपने अखबार में, निर्भय नगरी में, ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज के माध्यम से। अभी कल ही हमने, आपने एक हेडिंग देखा होगा, मंदिर मस्जिद बंद पर दारू का अड्डा चालू, कल हमने एक न्यूज चलाई है, और उस महिला के खिलाफ कोई भी जाने की कोशिश नहीं करता है, हमने डेयरिंग करके उसकी न्यूज चलाई है। वो महिला भी मेरी ताक में, हो सकता है कि मेरी सुपारी लिया हो, तो इसने अभी जलील किया है, कल जो है मेरे ऊपर हमला भी करेगा, जान मेरे को जान से खत्म भी कर सकता है, क्योंकि हम लोग तो यार रिस्क लेके लोगों के खिलाफ न्यूज चलाते ही रहते हैं, तो कभी भी निशाना बना लेगा कोई, तो हमारे मतलब हम वैसे भी सुरक्षित नहीं है। अभी इससे मुझे कुछ ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए सीनियर से मुझे मतलब उम्मीद है कि वो मेरी मदद करेंगे, और उसके खिलाफ जो है 506(2) के तहत मामला दर्ज करके उसको गिरफ्तार करेंगे। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के निसार अंसारी साहब हमारे साथ हैं, इस पे पत्रकार पे जो हमला हुआ है उसके बारे में कुछ डिटेल बताएंगे। देखिए, जिस तरह से आरिफ आसमी के ऊपर जो हमला हुआ, और सुबह से ये हमारे पास भी जानकारियां हैं, सबसे पहली बात तो ऐसे हालात में पत्रकार पे हमला होना निंदनीय वाली बात है, और दूसरी बात जहां तक आज सड़कों पर हम देख रहे हैं जो कोरोना वायरस को लेकर के आज माहौल है, लॉकडाउन है, और उसी के साथ साथ में आज सड़कों पर पुलिस, डॉक्टर और पत्रकार, ये तीन ऐसे स्तंभ हैं जो आज समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और पत्रकार की जो एक अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि पत्रकार का खुद का भी अपना परिवार है, खुद की भी जान है, उसको धोखे में डाल के समाज के लिए, समाज में कहीं कुरीतियां ना हो उसको देखने के लिए पत्रकार गली मोहल्लों में जा रहे हैं, देख रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जो लोग ज़्यादा इकट्ठा जमा है, भीड़ जमा है, उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए, लोगों को कैसे प्रिकॉशन लेने की बात की जाए, लोगों को कोरोना से कैसे सुरक्षित किया जाए, और उसी के बीच में अगर कुछ हो रहा है तो उसकी न्यूज़ को बना करके सरकार के सामने, प्रशासन के सामने लाने का प्रयास पत्रकार कर रहे हैं। और आरिफ आसमी जी ने भी जैसे बताया कि ये कल वहाँ कुछ मारामारी हुई, एक गरीब व्यक्ति को मार तोड़ दिया गया, तो जब इनको जानकारी मिली तो ये उसकी न्यूज़ को कवर करने के लिए वहाँ पर गए थे, ना कि कोई वहाँ झगड़ा फसाद करने के लिए गए थे, कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था। लेकिन जो मारने वाले दबंगाई थे, उनको जब ये पता चला कि ये पत्रकार है और ये जो है इसके खिलाफ कुछ न्यूज़ छापेगा, तो वो टेंस हो गए, और उसी समय उन्होंने जो है अभद्र शब्दों का इस्तेमाल आरिफ आसमी के लिए किया, और शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया,
उसके साथ साथ जिस तरह से आरिफ हाशमी जी ने कहा कि चाकू निकाल कर बाकायदा मुझे धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई है, तो ये वेरी डेंजरस, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी शिकायत इन्होंने पुलिस थाने में की है मुमरा में, और पुलिस थाने के जो सीनियर PI है मधुकर कड़ जी ने भी, हम खुद गए थे, आश्वासन दिया है कि हम इस पर जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी कार्रवाई हम करने का काम करेंगे, और जो इस तरीके की कुरीतियां करने वाले लोग हैं उन पर लगाम तो हम लगाएंगे ही। लेकिन उसी के साथ साथ मसला ये है कि आज जो हालात चल रहे हैं, पुलिस बल कितना है और कितनी हमारी पॉपुलेशन है मुमरा शहर की, 10-12 लाख की पॉपुलेशन है, और मैं समझता हूँ कि 500,000 पुलिस होंगे तो वो काफ़ी नहीं है। हम भी समझ रहे हैं कि पुलिस काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब है, टेंस है, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है, लेकिन उसको ये भी कल्पना है कि अगर पत्रकार के साथ कोई अभद्र व्यवहार हुआ है या उसकी जान को धोखा है तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। हम शुक्रगुजार हैं मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI मधुकर कड़ जी का, कि जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे उन्होंने बड़े थके हुए थे, बहुत टेंस थे, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स हुए और उन्होंने हमसे बात की और बड़े अच्छे माहौल में बात हुई और अच्छे शब्दों में उन्होंने हमें आश्वासन दिया। अब देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है उस पर किस तरह की कार्रवाइयाँ होती है, नहीं होती है, क्या होता है, तो उसके आगे की बात जो है पत्रकारों में चर्चा चल रही कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके अगले कदम के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। हमारे साथ नज़र इंडिया के समीर साहब खड़े हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज जो आरिफ हाशमी साहब के साथ जो हुआ है उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे। देखिए, ये तो बहुत बड़ी दुखद घटना है कि जिस तरह से हमारे सीनियर रिपोर्टर आरिफ हाशमी साहब, जो ग्रेट इंडियन TV न्यूज़ के जो है प्रवक्ता है, अरे प्रधान संपादक है, और निर्भय नगरी पेपर के प्रधान संपादक हैं, इनके ऊपर जिस तरह से आज हमला किया गया है खड़ी गाँव में, उस तरह से आज इनको देखते हुए किसी भी पत्रकार के साथ ये हो सकता है। तो हमारी प्रशासन से यही अपील है कि आप हम जैसे पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कड़क कदम उठाएं और इसके बारे में जल्द से जल्द कोई भी निर्णय लें, जल्द से जल्द निर्णय लें। हमारे साथ सुल्तान रिजवी साहब खड़े हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, अध्यक्ष हैं, कुछ बताएंगे उसके बारे में जो आरिफ हाशमी साहब के साथ जो हुआ है। हाँ, आज जो हमारे युवा पत्रकार हैं आरिफ हाशमी जी, उनके ऊपर जो है एक समद नाम के आदमी ने जो है उस वक्त जो है हमला करना चाहा चाकू से, जब वो न्यूज़ कवर करने गए हुए थे भारत गियर कंपनी के सामने खल्डी रोड न्यास कंपाउंड में, तो वहाँ पर इन लोगों ने एक सैलून वाले को मारा पीटा था, तो उसी संदर्भ में ये गए थे, और ये भी पता चला कि वो जो है मतलब एकजुट होकर के ये लोग ताश वाश खेलते हैं और कुछ गलत गतिविधियां हैं, तो उनको शक हुआ कि हमारी खबर जो है ये प्रकाशित करने वाले हैं, अगर वायरल हो जाएगी तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए जो है इसी उद्देश्य से जो है इनको गाली गलौज किया और कहा कि अगर मेरी खबरें आईं तो जो है इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा, और यही सब बात को लेकर के जो है इनको चाकू लेकर के दौड़ाए, ये फौरन जो है वहाँ से अपनी जान बचा करके मुमरा पुलिस स्टेशन आए, यहाँ पर जो है सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कड़ साहब से मुलाकात की और उनको पूरी बात बताई, उन्होंने आश्वासन दिया कि टेंशन मत लो, मैं हर हाल में उसके ऊपर कार्रवाई करूँगा, उन्होंने आदेश भी दे दिया, उसकी शिकायत भी दर्ज हो गई है, FIR नहीं दर्ज हुआ है, मामूली NC दर्ज हुई है। अब फिर दोबारा हम लोग जाकर के मिले, सीनियर साहब ने बहुत ही मतलब कोऑपरेट किया हम लोगों को और कहा कि जो है हम कार्रवाई करेंगे, हालांकि सीनियर साहब भी बहुत थके हुए थे, कोरोना वायरस का मामला चल रहा है, रात रात को ड्यूटी देनी पड़ रही है, पेट्रोलिंग करनी पड़ रही है, और पब्लिक मानने को तैयार नहीं है, मना करने के बाद भी रोड पे निकल जाते हैं, तो ये सब टेंशन है पुलिस को, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इसके साथ भी पत्रकार भी हैं जो अपना न्यूज़ कवर करने के लिए और पुलिस को भी सहयोग कर रही, जनता को भी जो है मतलब कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं जो है पत्रकारों का जो है भूमिका है, तो अब उम्मीद है कि जो है पुलिस कार्रवाई करेगी।